नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। चलिए शुरुआत करते हैं देवभूमि समाचार का सिलसिला। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 4 दिन की चांदनी के बाद फिर सन्नाटा पसर गया। 6 दिन का कामकाज 4 दिन में निपटाने की करामात कर गई। विधायक और अफसरान रातों रात अपने अपने गंतव्य के लिए कूच कर गए। रिपोर्ट देखिए। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 4 दिन की चांदनी के बाद फिर सन्नाटा पसर गया। 6 दिन का कामकाज 4 दिन में निपटाने की करामात कर कई विधायक और अफसरान रातों रात अपने गंतव्यों के लिए कूच कर गए। इसके बाद वाहनों से ठसाठस भरे भराड़ीसैंण के परिसर में केवल खामोशी बची थी। पहाड़ की दुश्वारियां और भराड़ीसैंण की ठंड शायद कोई ज्यादा दिन झेलने को तैयार नहीं था, इसलिए हर बार की तरह भी इस बार आनंद फानंद में सत्र निपटाने की पटकथा लिखी गई। इस पटकथा के किरदार पक्ष और विपक्ष दोनों ही ओर थे। विरोध, नाराजगी, हंगामा और बगैर चर्चा के विधेयकों और विभागों के बजट की फटाफट मंजूरी इस पटकथा के प्रमुख हिस्से थे। भराड़ीसैंण से विदाई के लिए मंत्रियों, अफसरों और विधायकों को कड़ाके की ठंड में रात 10 बजे तक विधानसभा के सभा मंडप में लगातार ही बैठना भी मंजूर था। भराड़ीसैंण बजट सत्र कथा की शुरुआत 13 मार्च से हुई थी। इस दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। इस दौरान विपक्षों ने ऐसे हंगामा काटा कि राज्यपाल को खुद हाथ जोड़कर अनुरोध करना पड़ा कम से कम उनके अभिभाषण की आखिरी लाइनें सुन लें। लेकिन विपक्ष कहां मानने वाला था, उल्टा उनकी ओर राज्यपाल गो बैक के नारे लगाना शुरू कर दिए। सत्ता पक्ष के लिए निशाना साधने का इससे बढ़िया मुद्दा ही नहीं था, लिहाजा बजट अभिभाषण पर चर्चा से ज्यादा सबका जोर कांग्रेस के सदन के लिए आचरण को कोसने पर रहा। रही सही कसर कांग्रेस के 15 विधायकों के निलंबन के मामले ने पूरी कर दी। देखिए, जब कार्य मंत्रणा की बैठक होती है उसी में सत्र का एजेंडा तय हो जाता है और उस कार्य मंत्रणा की बैठक में नेता प्रतिपक्ष भी रहते हैं। सरकार ने सभी कामकाज बहुत संपूर्ण तरीके से वहां पर किए, बजट पेश हुआ, नियम 58 के तहत भी चर्चा हुई, विपक्ष को पूरा मौका दिया गया, विपक्ष ने सभी विधायकों ने अपने अपने सवाल भी किए, सरकार द्वारा वहां जवाब भी दिया गया। अब उसके बावजूद अगर विपक्ष इस प्रकार के आरोप लगाए तो आप समझ सकते हैं कि विपक्ष निराश है, विपक्ष के पास कोई मुद्दे हैं ही नहीं, तो बात बात पर जो है विपक्ष मुद्दे बनाने की कोशिश करता है। निश्चित रूप से विशेषकर उत्तराखंड में तो मैं समझता हूँ इसको मजाक ही बनाया जा रहा है। सत्र अगर 6 दिन का है तो कम से कम 6 दिन तो कम से कम सदन बैठे, सदन में चर्चाएं हों, तमाम मुद्दे हैं। 2 दिन की चर्चा तो पलायन में हो सकती है, 70 विधायक हैं, 10-10 मिनट भी एक विधायक बोले तो आप लगाओ कितना समय लगता है। बेरोजगारी है इस प्रदेश में, नौजवानों पर लाठीचार्ज हो रहे हैं, अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसे मसले इस प्रदेश में हैं। अगर सरकार के सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है उसके लिए विपक्ष जिम्मेदार नहीं रहता है, सरकार जिम्मेदार रहती है। बजट पर मैराथन चर्चा के बाद अब नेता सदन पुष्कर सिंह धामी ने अपनी बात रखी तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य को भी जोश आ गया, मगर सत्ता पक्ष के विधायकों के विरोध में उनका जोश ठंडा पड़ गया। नाराज विपक्षी विधायकों ने वॉकआउट कर दिया और सरकार को सहजता के साथ बिना चर्चा के बजट पास करने का अवसर मिल गया। 4 दिन के सत्र के दौरान 21 घंटे 36 मिनट विधानसभा की कार्यवाही चली, जिसमें वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने करीब 75,592 करोड़ का बजट पेश किया। वहीं सत्र के लिए 603 प्रश्न प्राप्त हुए, जिसमें से स्वीकार 8 अल्पसूचित प्रश्न में से 1 का जवाब दिया गया, जबकि 180 तारांकित प्रश्न में से 46 का जवाब दिया गया, 380 अतारांकित प्रश्न में से 197 का उत्तर दिया गया, जबकि करीब 29 प्रश्न रद्द कर दिए गए। साथ ही सत्र के दौरान 13 विधेयक पास किए गए और 1 अध्यादेश को मंजूरी मिली। गैरसैंण में 4 दिन चले सत्र के बाद एक बार फिर से सवाल खड़ा होने लगा है कि गैरसैंण कब तक गैर रहेगा, क्योंकि 6 दिन का कामकाज 4 दिन में निपटना इस सवाल को एक बार फिर से जिंदा कर गया है। अभय केतुरा, इंडिया वॉइस, गैरसैंण। उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष रितु खंडूरी ने गुरुवार को 4 कांग्रेस विधायकों द्वारा उठाए गए विशेषाधिकार हनन के मामले में राज्य सरकार के मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। संधू के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश करते हुए उन पर प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने और उनसे बात नहीं करने का आरोप लगाया गया है।
आज मैं स्वयं, मेरे साथ भुवन कापड़ी, आदिश चौहान और हरीश धामी जी चीफ सेक्रेटरी के कक्ष में जाते हैं और चीफ सेक्रेटरी का जो हमारा प्रोटोकॉल बनता है कि हमारा अभिवादन करे, उन्होंने तो हमसे बात करना भी उचित नहीं समझा। शेम, शेम, शेम। ये अगर इस तरीके से विशेषाधिकार के हनन आते रहेंगे, आप निर्देश देती रहेंगी और चीफ सेक्रेटरी स्तर का अधिकारी अगर उसका पालन ना करे तो फिर दूसरों से क्या अपेक्षा की जा सकती है। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र में बजट भाषण पर बोलते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून में युवाओं के प्रदर्शन पर जिन युवाओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं उनको हटाया जाएगा, जिसके चलते युवाओं का भविष्य खराब ना हो। सीएम ने युवाओं से कहा कि वो अपने भविष्य की चिंता करें और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें, सरकार उनके साथ है। साथ ही इस दौरान सीएम धामी ने बजट को ऐतिहासिक बजट बताया और योजना को पूरा करने वाला बजट करार दिया। और सरकार ये जो बजट है, ये बजट सभी वर्गों को कहीं ना कहीं अपने में समावेश करे, कहीं ना कहीं सभी वर्गों का बजट हो। ये स्पेसिफिक बजट इस मायने में है कि इसमें हमने कोशिश की है कि स्वरोजगार बड़ी संख्या में खड़ा हो और हर विभाग अपने अपने स्तर पर मजबूती से अपने पैरों पर खड़े हो और सरकार सारी व्यवस्थाएं करेगी जिससे कि सरकार राज्य का जितना पोटेंशियल है, राज्य के अंदर जिस क्षेत्र में भी जो भी हम राज्य के अंदर चीज़ों को ला सकते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, उन सभी का प्रयास किया है। विशेषकर से मातृशक्ति भी आ गए, हमारे नौजवान भी आगे आए, उद्यमी भी आगे आए, काश्तकार भी आगे आए और समाज के अंतिम छोर में रहने वाले लोगों के लिए भी इस बजट में प्रावधान है। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। 13 मार्च से शुरू हुआ विधानसभा सत्र 16 मार्च को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। वहीं से लेकर उप नेता विपक्ष भुवन कापड़ी का कहना है कि सरकार जो बजट लेकर आई है उसमें युवाओं के लिए कुछ नहीं है, साथ ही देश के पहाड़ों को सशक्त करने के लिए योजना में कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि सत्र की अवधि बढ़ाने के लिए सदन में निवेदन किया गया था लेकिन सरकार इसे लेकर गंभीर नहीं थी। मैं युवाओं को लेकर कोई बात नहीं रखी गई, कहीं पर भी युवाओं की कोई बात नहीं करी, खाली युवा 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 शब्द लिखा गया है, युवाओं के बेरोजगारी भत्ते की कोई बात नहीं है। युवाओं के लिए हर जिलेवार जो गरीब बच्चे हैं, होनहार बच्चे हैं, उनके लिए नीट की, आईआईटी की, जेई की परीक्षा के लिए कोचिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रदेश में गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी बनाने की कोई व्यवस्था नहीं है। उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश माना जाता है, पर्यटन में सबसे कम बजट रखा गया है। स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे दुरुस्त किया जाएगा उस पर कोई चर्चा नहीं। सरकार सदन चलने से पहले 6 दिन का कार्यक्रम देती है, सदन 4 दिन में खत्म कर देती है। ये सरकार प्रदेश के प्रति इतनी ही लापरवाह है, ये चाहती ही नहीं कि सदन चले। सदन में जो मूलभूत समस्याएं हैं वो निकल कर आए, उन समस्याओं पे चर्चा हो, सरकार समाधान करे। सरकार प्रदेश की समस्याओं को सुनने से घबराती है, इसलिए सदन जल्दी खत्म करती है। ये सदन 18 तारीख तक प्रस्तावित था और इसे आज 16 तारीख को ही खत्म कर दिया। इससे पता चलता है कि सरकार प्रदेश के जनहित के मुद्दों के प्रति गंभीर नहीं है और वो सरकार उन मुद्दों से भागना चाहती है। उधर विधानसभा में कांग्रेस विधायकों का पेपर फाड़कर फेंकने के मामले में बीजेपी महिला मोर्चा ने प्रदर्शन किया है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के सदस्यों का जमीर बहुत देर से जागा है, अभी तक कहीं कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ था। यहां प्रदेश के अंदर अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसा जघन्य हत्याकांड हो गया, पूरा प्रदेश सड़कों पर था, महिला मोर्चा की सदस्य अपने बिल में घुसी हुई थी। पिंकी हत्याकांड हो जाता है और तो और एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के हिसाब से उत्तराखंड 9 हिमालयी राज्यों में अग्रणी स्थान पर है, चाहे बलात्कार के मामले हों, चाहे यौन उत्पीड़न के मामले हों। ऐसे में
क्या सिर्फ रितु खंडूरी को ही महिला मानती हैं भाजपा महिला मोर्चा की सदस्य? क्या बाकी महिलाएं इस प्रदेश की सम्मानित महिलाएं नहीं हैं, जिसकी अस्मिता की रक्षा करने के लिए उनको आगे आना चाहिए था, जिनको संरक्षण उन्होंने देना चाहिए था, क्योंकि वो सत्तारूढ़ दल से संबंधित रखती हैं? उत्तराखंड में जेलों के लिए नए नियमों से जुड़े मैनुअल को जल्द धरातल पर उतारा जाएगा। जेल मैनुअल के लिए जहां एक तरफ पिछले लंबे समय की कसरत के बाद ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, तो वहीं जल्द ही इसे लागू कराकर जेलों में चल रहे ओवरक्राउड को भी कम किया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से नए जेल मैनुअल के लिए राज्यों को निर्देशित किया गया था, जिस पर पिछले करीब 3 साल से कसरत की जा रही थी। था वही अडॉप्ट किया गया था और वो 1960s का मैनुअल है, वही चल रहा था। अभी फिलहाल 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट प्रिजन मैनुअल सभी स्टेट्स को सर्कुलेट किया था। हमारी स्टेट भी उसी पर कार्य कर रही थी। कुछ आवश्यक संशोधनों के साथ हम लोग नया ड्राफ्ट मैनुअल तैयार कर रहे हैं, जो जल्द ही तैयार होगा और होपफुली हम उसको अगली कैबिनेट की बैठक में पुट अप कर सकेंगे। प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल के रामनगर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। लोक निर्माण विभाग का विश्राम गृह में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने संगठन हित में कार्य करने के साथ ही आगामी निकाय चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में पार्टी की ऐतिहासिक जीत के लिए कार्यकर्ताओं का आह्वान किया। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि उत्तराखंड राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ 72% हिस्सा वनों का है। उन्होंने कहा कि वनों में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अलावा जन सहभागिता के साथ मिलकर इसे बचाया जाएगा। जो प्रतिबंधित प्रजातियां उनको काटने पर जेल का सजा का प्रावधान था। कल हमने कैबिनेट में निर्णय लिया कि जेल जाने के प्राविधान को समाप्त कर रहे हैं और जुर्माने के प्राविधान को दुगना कर रहे हैं। पहली बार जिलाधिकारियों को भी इस आपदा से जोड़ने का काम किया गया और जिले के अंदर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ये मैनेजमेंट फायर मैनेजमेंट को किस तरह कंट्रोल किया इसके लिए कमेटी है और राज्य में चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी है। जहां आग लगने का इतिहास ज्यादा है, जहां पर ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, उनको आइडेंटिफाई करके पहले फेज में हमने 432 ग्राम सभाओं में उस कमेटी को बना दिया है ताकि उस पर एक प्रभावी कार्रवाई शीघ्र से शीघ्र की जा सके। वन विभाग के अधिकारियों को भी हमने निर्देश दिए कि जगह जगह रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनाए जाएं, जो जमीन में नमी बढ़ाने के साथ साथ जमीन की आग बुझाने के और जानवरों के पीने काम आ सके, तो इसको हम इस दृश्य पर करने जा रहे हैं। जो हम टूरिज्म पॉलिसी लाए हैं उसके पीछे उद्देश्य यही है कि लोकल स्तर पर सुदूर क्षेत्रों में, क्योंकि ये जो पॉलिसी जो हम लाए हैं पहाड़ी जिलों के लिए कि ताकि पर्वतीय क्षेत्र में निवेशक जाए और लोगों को स्थानीय रोजगार मिले। बहुत जल्दी मैं कॉर्बेट फाउंडेशन की बैठक ले रहा हूँ और उसकी सब पे चर्चा होगी और मैं अच्छा सोचिए अच्छा निर्णय होगा। उधर हरिद्वार में पहली बार आयुर्वेद और पशु चिकित्सा को लेकर 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। ऋषि कुल आयुर्वेद महाविद्यालय के प्रांगण में आयोजित इस सेमिनार में पशु चिकित्सा में आयुर्वेद चिकित्सा की संभावनाओं को तलाशने के लिए विचार विमर्श किया गया। इसको लेकर रिसर्च पेपर भी पेश किए जाएंगे। आपको बता दें कि कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय पशु चिकित्सा मंत्री संजीव बलियान ने किया। दीप प्रज्वलन कर ये कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या की तरफ से की गई। उधर पर्यटन नगरी रानीखेत में भी पूरे देश के 57 कैंटोनमेंट के साथ ही 30 अप्रैल को होने वाले मतदान का नगरवासियों ने बहिष्कार शुरू कर दिया है। दरअसल रानीखेत सिविल क्षेत्र को नगर पालिका में ना लेने जाने को लेकर लोग विरोध दर्ज करवा रहे हैं। 28 मार्च को एक भी नामांकन पत्र किसी भी तरफ से ना लिया जाए, इसके लिए भी एक मत है। वहीं बहिष्कार को सफल बनाने के लिए गांधी चौक पर धरना प्रदर्शन कर मशाल जुलूस निकालकर बाजार बंद करने का आह्वान किया गया है ताकि कोई भी नामांकन पत्र न खरीद सके। साथ ही कैंट कार्यालय का घेराव और निगरानी की भी तैयारी की गई है। कोटद्वार SSP ने चारधाम यात्रा को लेकर क्षेत्राधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ बैठक की और उनको जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुखवीर सिंह ने कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में जानकारी ली और उनका समाधान किया। उन्होंने समस्त थाना प्रभारियों को अपने अपने थानों में नियुक्ति अधीनस्थ कर्मचारियों की प्रत्येक महीने मीटिंग लेकर
उनके कार्यों की समीक्षा करने के साथ ही उनकी समस्याओं को सुनकर उनके जल्द समाधान के निर्देश दिए। एसएसपी ने चारधाम को लेकर यह बैठक की है और तमाम महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। क्षेत्राधिकारी थाना प्रभारियों के साथ ये बैठक दरअसल की गई। खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताने वाली भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठियारी ने खुद ही बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि मैनुअल सूची भेजने में 20 से 25 फीसदी तक फेक जानकारी भी आती थी, लेकिन अब ऑनलाइन व्यवस्था बनाने से इस पर रोक लग सकेगी। और उन्होंने कहा कि डिजिटलाइजेशन होने से समस्त कार्यकर्ताओं की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध हो जाएगी, जिससे फर्जीवाड़ा नहीं हो सकेगा। इससे दो बातें हो रही हैं। एक तो क्या होता था कि जैसे 20% 30% 25% के करीब जो है फेक डेटा भी नीचे से आते थे, हार्ड कॉपी में जब आता था, और अब जब जो है उसको हम डाटा एंट्री कर रहे हैं तो अब उसकी पूरी जानकारी कार्यकर्ता की, तो इसमें पूरी जानकारी जब उसमें डालते हैं हम तो उससे जो है फर्जीफिकेशन होने की संभावना नहीं रहती है। यानी हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो डेटा हमारे पास आ रहा है कार्यकर्ताओं का वो 100% लगभग सही है। 23 मार्च को सर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।